सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइस आज मैं आपको फिर से कॉम्बिनेशन वीडियो ला चुका हूँ। सो गाइस, कॉम्बिनेशन की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा दिनों में आई है, ठीक है, बहुत टाइम बाद आई है। सो गाइस एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो गाइस आज हम आपको कॉम्बिनेशन के ऊपर बताने वाले हैं, ठीक। सो गाइस, वो कॉम्बिनेशन काहे पर होने वाला है, तो वो होने वाला है गाइस आपका लाइट पास का बंडल। सो गाइस, ये लाइट पास का बंडल है, ये हर बंदे पर है, मतलब बहुत ज्यादा बंदों ने जो है यह लाइट पास का बंडल है, ठीक है। सो गाइस, आज मैं आपको इस लाइट पास के बंडल पर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, पांच कॉम्बिनेशन। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो वीडियो एकदम लास्ट तक देखना गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। सो गाइस चलिए पढ़ते हैं नंबर 5 कॉम्बिनेशन की ओर, जो नंबर 5 पर होने वाला है। सो गाइस, उसमें हम इसका टोपा यूज करने वाले और इसका मास्क यूज करने वाले, ठीक है। बाकी गाइस, मास्क यूज करने के बाद अब इसमें जैकेट यूज करने वाले, ठीक है। अब गाइस जैकेट कौन सी यूज करने वाले, चलिए आपको बताते हैं, वो होने वाली है रिच। अब रिच जैकेट यूज करने के बाद हम इसमें गाइस पैंट ही रहने देंगे, ट्रैप, ठीक है। ट्रैप पैंट रखने के बाद हम इसमें शूज ये वाले रखने वाले। सो गाइस, वो कॉम्बिनेशन आता है कुछ इस तरीके का। अब गाइस, इस कॉम्बिनेशन की मैं खास बात बता दूं, क्यों गाइस ये ट्रैप पैंट है, ये आपके यही नहीं, अभी और सुनिए, मूवमेंट के लिए बात करती है, ठीक है। ये आपके मूवमेंट के ऊपर है कि गाइस आपका मूवमेंट कितना अच्छा है और आप कितने अच्छे से इससे मतलब खेल सकते हो, इस जैकेट से आप कितने अच्छे तरीके से खेल सकते हो, इसका इससे आप मूवमेंट कितना अच्छा निकाल सकते हो, ये आपको पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो गाइस, ये तो आपको पता ही होगा कि आपका मूवमेंट चाहिए, तो मूवमेंट के लिए चाहिए आपको हाई स्पीड और मतलब हाई मतलब लेवल डिवाइस का, ठीक है। जैसे कि गाइस मतलब बहुत कम बंदों पे जो है मतलब हल्का फुल्का डिवाइस कॉम्बिनेशन को आप लेकर जाओगे तो गाइस आपका कॉम्बिनेशन जो है वो कतई जहर आएगा और गाइस मूवमेंट भी अच्छा निकलेगा, ठीक है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं फाइनली नंबर 4 की ओर, जो नंबर 4 पर होने वाला है, उसमें जैकेट यूज़ करने वाले, कैप हटाने वाले, ठीक है। कैप हटाने के बाद हम इसमें गाइस बाल रखने वाले, गाइस ये वाले हमारे मैकलेरन के, ठीक है। और गाइस इसमें ये हम चेहरा हटाने वाले, क्योंकि चेहरा बहुत ही ज़्यादा भद्दा लग रहा है, चेहरा हटाने वाले। इसमें मास्क यूज़ करने वाले हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला मास्क यूज़ करने वाले हैं। पैंट हटाने वाले हैं और पैंट रखने वाले हैं गाइस इसमें जज, और जज पैंट रखने के बाद बाकी यही रहेगा। सो गाइस, वो कॉम्बिनेशन आता है कुछ इस तरीके का। सो गाइस, इस कॉम्बिनेशन में खास बात यह है कि आप इसके जो हाथ देखोगे वो बिल्कुल फिस्ट के जैसे लगते हैं गाइस, अगर आपके पास फिस्ट है। सो गाइस, अगर आप इस बंडल पर फिस्ट लगा कर देखते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगे। जैसे कि गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो फिस्ट लग रहा है ये इस बंडल पर जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है। सो गाइस, फिस्ट तो हर कोई बंदा पसंद करता है, ठीक है, फिस्ट तो हर बंदे के फेवरेट है। इसलिए गाइस, अगर आप इसे फिस्ट पर लगा कर खेलते हो तो गाइस तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, तो आपका मूवमेंट जो है कतई जाए। गाइस, मैं फिस्ट बताऊँ वो कौन सा होना चाहिए, फिस्ट होनी चाहिए अगर आपके पास वन पंच मैन है, मतलब कोई से भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर अगर आपके पास वन पंच मैन है तो गाइस आपका जो मतलब मूवमेंट है वो अच्छा निकलेगा, क्योंकि वन पंच मैन के जो फिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लवली और मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रैक है, मतलब ट्रैक तरीके से है वो, क्योंकि गाइस उसकी जो आवाज़ है, जो उसका धांसू वो बहुत ओपी है, ठीक है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं वाली नंबर 3 की ओर, जो नंबर 3 पर होने वाला है, उसमें गाइस हम यूज़ करने वाले हेयर ये वाले, ठीक है, ये हेयर यूज़ करने वाले, इसमें इसकी पैंट यूज़ करने वाले, बाकी जो इसकी जैकेट हम हटाने वाले, ठीक है। सो गाइस, जैकेट हटाने वाले, तो जैकेट हटाने वाले, जैकेट अपनी गाइस यही रहने वाली है, जो कि हमारा इनक्यूबेटर वो कॉम्बिनेशन आता है कुछ गाइस। इसकी पैंट सच बताऊँ, ये पैंट बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है, क्योंकि गाइस अगर आप इस पैंट को ट्रेनिंग में लाकर या फिर कस्टम में लाकर खेलोगे तो आपका मूवमेंट जो है वो ओपी आएगा, क्योंकि गाइस मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि गाइस इसकी पैंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, आप इसकी पैंट को जो है आराम से लेकर खेल सकते हो और गाइस आपका जो इसमें मूवमेंट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा ओपी आएगा। एक बार ट्राई करना गाइस, ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार मेरी बात जरूर मानना भाई, प्लीज़ यार, प्लीज़ इस पैंट को आप एक बार लेकर जाना अपने कस्टम में या फिर मतलब कोई से भी उसमें भाई, मतलब आपको पसंद आए ना तो फिर वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। सो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 2 की ओर, जो नंबर 2 पर होने वाला है, वो गाइस हम इसमें ट्रैप बाल यूज़ करने वाले हैं, ट्रैप बाल यूज़ करने वाले, इसमें इसकी जैकेट यूज़ करने वाले हैं, वो गाइस इसमें जो है हम इसकी पैंट भी हटाने वाले, ठीक है, पैंट मतलब नंगा नहीं करेंगे भाई, तो इसमें हम शूज़ थोड़े अलग करने वाले हैं। सो शूज़ गाइस इसमें रहने वाले हैं हमारे ये गाले वाइट कलर की हैं, लेकिन थोड़े ऊंचे वाले शूज़ हैं गाइस, जो शूज़ होते हैं, ये जो शूज़ हैं ये विंड सेंसर के ऊपर, मतलब आपने विंड सेंसर की वीडियो देखी होगी पहले वाली, मतलब वीडियो देखना लाइव स्ट्रीम में भी जो है वो यही शूज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि गाइस इन शूज़ से जो मूवमेंट आता है ना वो बहुत अच्छा आता है, खासकर जज पैंट पर, ठीक है। जज पैंट तो हर बंदे पर है, ठीक है, क्योंकि जज पैंट जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बहुत ही ज़्यादा लव्ड थिंग है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लव करा जाता है जज पैंट को, हर कोई जज पैंट मांगता है, ठीक है, ठीक है गाइस। सो गाइस, इसलिए मैंने इसे रखा है नंबर 2 पर। सो गाइस, अब पढ़ते हैं नाउ लास्ट के ऊपर, नंबर 1 और नंबर 1 पर जो होने वाला है वो हम नूप के लिए रखने वाले हैं भाई।
सो गाइस इसका जो मतलब कम्युनिटी है वो पूरा ही रख लो, ठीक है गाइस। नूप के पास अगर कुछ नहीं है, खाली अलाइट पास है, तो भाई मतलब नंबर वन पे मैंने इसने रखा है, क्योंकि भाई नूप की जो है मतलब थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई। नूप प्लेयर जो होते हैं उन्हीं से जो है मतलब हम इंस्पायर्ड है भाई, उन्हीं से जो इंस्पायर्ड है। मगर गाइस अगर नूप नहीं होते तो आपको रिवाइव कौन करता, नूप नहीं होता आपको लूट कौन देता, ठीक है गाइस। नूप जो होते हैं ना, नूप बंदे अपने बंदे को एनिमी के सामने से रिवाइव कर ले जाते हैं भाई। वो ये नहीं देखते कि सामने एनिमी है कि भाई मैं इसे रिवाइव नहीं करूँ, कोई प्रो प्लेयर होगा भाई वो ऐसे निकल जाएगा, वो कहेगा कि भाई एनिमी था। लेकिन गाइस जो नूब जो होता है वो एनिमी के सामने से अपने बंदे को रिवाइव कर ले जाता है 100%। गाइस आपने आपको पता ही है नूब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो गाइस इसलिए मैंने इसे नंबर वन पर रखा है। एडजस्ट कर लेना, बाय बाय, टेक केयर।